हाय फ्रेंड, आप सभी लोगों का आज के हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास मर्सिडीज़ की ML गाड़ी आई हुई है। देखिए, गाड़ी हाइट नहीं हो रही है लेकिन चारों तरफ से बैठा हुआ है। देखिए, तो इसका फ्रेंड जो मोटर आता है वो काम नहीं कर रहा है, तो हमने ठीक किया है। पूरा दिन से कर रहे हैं, हमने इसका पीछे का फ्यूज पूरा चेक कर लिया है। पीछे फ्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे का फ्यूज हम चेक कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड, हमने इसका मोटर बाहर निकाल कर, जो एयर वैक्यूम मोटर रहता है उसको बाहर निकाल कर हमने डायरेक्ट चेक किया, तो मोटर ओके है। तो इसका हम वायरिंग और फ्यूज चेक करेंगे। तो आगे का फ्यूज हमें 40 एम्पीयर का मिला है, वो हम एक बार डाल के चेक कर रहे हैं। तो हमने इसका जो 40 एम्पीयर का फ्यूज आता है, देखिए ये जो फ्यूज है एयरमेटिक कंप्रेसर का है, जो कंप्रेसर हवा बनाता है, जो गाड़ी को हाइट करता है, जो सॉकअप का बलून आता है जिसमें हवा भरता है, उसका कंप्रेसर का ये फ्यूज है। तो ये फ्यूज जुड़ गया था, तो हमने इसमें रिप्लेस किया है। अब रिप्लेस करके अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके चेक करते हैं जो हमारा हाइट का प्रॉब्लम था। देखिए, हमारा गाइड अभी भी डाउन है। देखिए, देखिए आगे से पूरा बैठा हुआ है, आगे पीछे सब। तो अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके चेक करते हैं हमारी गाड़ी हाइट हो रहा है कि नहीं। चाबी लाइए। तो अब हम गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट करके देखते हैं हमारा जो हाइट का प्रॉब्लम था सॉल्व होता है। तो अब हम गाड़ी से बाहर आ जाते हैं विंडो डाउन करके। तो देखिए, हमारी गाड़ी हाइट हो रही है। देखिए, हमारी गाड़ी हाइट हो रही है। देखिए देखिए, पहले पहले 4 उंगुल जा रहा था, देखिए 6 उंगुल गया। तो हम लेफ्ट साइड का भी चेक करते हैं, इतना ही है क्या। देखिए 4, 3, 7 है, हमारा लेफ्ट साइड का भी एकदम सेम है। देखिए, अभी भी गाड़ी हमारी और हाइट हो रही है। देखिए देखिए, 8 हो गया। ठीक है फ्रेंड, देखिए पहले 4 था, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ। देखिए, अभी भी हाइट हो ही रही है। तो ये हमारी गाड़ी हाइट हो चुकी है। अब हम इसका जो भी पाइपलाइन ओपन किए तो वाल का उसका थोड़ा लीकेज टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें वाल का हमने पाइप ओपन किया था तो इसमें हवा नहीं बना रहा था। तो इसके लिए हमने इसका कंप्रेसर बाहर डायरेक्ट निकाला, उसको डायरेक्ट वायर से बैटरी से चेक किया, तो उसका एयरमेटिक कंप्रेसर ओके था। तो हमने इसका वायरिंग चेक किया तो हमें मिला इसका फ्यूज गया था, फ्यूज में करंट नहीं आ रहा था। तो इसमें हमने इसका फ्यूज रिप्लेस किया और रिप्लेस करके गाड़ी स्टार्ट किया, तो हमारा जो हाइट का प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है। अब हम लीकेज टेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे का मम्पर ऊपर फिट कर देते हैं, जो भी हमने ओपन किया था उसका फाइनल आपको करके दिखाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये गाड़ी में हमारा हाइट का कंप्लेन था। तो देखिए, हमने इसका हाइट का जो प्रॉब्लम था सॉल्व कर दिया है। देखिए, हमारा आगे पीछे दोनों हाइट होने लगा है। देखिए तो फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम क्या था वो हम आपको बताएंगे। इसका हमने बम्पर वम्पर भी खोला था, देखिए बम्पर भी खोला है इसका। ये सब पाइपलाइन चेक करने के लिए, ये पाइपलाइन पूरा ओके है। देखिए, हमारा मोटर भी चल रहा है, वाच कर रहा है। फ्रेंड, इसमें क्या था, 40 एम्पीयर का ये जो फ्यूज है ये इसका प्रॉब्लम था। तो हमने इसमें 40 एम्पीयर का फ्यूज रिप्लेस किया है। रिप्लेस करने के बाद जो हमारा हाइट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। हमारा मोटर वर्क नहीं करता था, एयर का जो मोटर आता है वो हम आपको दिखाते। देखिए, ये यहाँ पे है जो चल रहा है, एयर का मोटर को करंट नहीं आता था, इसके लिए हमारी गाड़ी हाइट नहीं होती थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा, हमने इसका बम्पर वम्पर ओपन किया है। अब हम बम्पर वम्पर हम फिट कर देंगे। देखिए, हमारा ऑटोमेटिक मोटर भी कटअप हो गया है।
अब आवाज़ भी बंद हो गया है, हमारा गाड़ी हाइट हो चुका है पूरी प्रॉपर तरीके से, ये देखिए। तो हमने इसका एयर लीकेज टेस्टिंग भी कर लिया, हमारा कहीं से एयर लीकेज नहीं है। देखिए हमने फाइनली इसका बम्पर ऊपर ओपन किया था, पूरा लगा दिया है, ये हमारी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए आप आए आगे का भी हाइट देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, एकदम हाइट हो चुका है। पीछे का भी हाइट देखिए, चारों बाजू का एक बार हाइट दिखा दीजिए। ये हमारा जो एयर का प्रॉब्लम था, जो हमारी गाड़ी हाइट नहीं होती थी, वो हमारी गाड़ी का जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही हम लोग का आप लोग साथ बनाए रखिए, ताकि आपके सामने हम इससे भी अच्छे से अच्छा वीडियो पेश कर सकें। तो आज का हमारा वीडियो था, अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिए।